गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल माई लाइफ माई ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ दिनों से हमारा वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और मैं अपने घर से फिलहाल नहीं निकल रहा हूँ। हमारे देश में केसेस लगभग 50 लाख पार हो चुका है, तो अपना सेफ्टी का ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। पर आज बिहार को मिलने जा रहा है एक बहुत बड़ा सौगात, ISBT नए बस स्टैंड के तौर पे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस वक्त पहुंचा हूं नए वाले बस स्टैंड के पास और माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस बस स्टैंड का आज उद्घाटन किया जा रहा है। तो कुछ ही देर में नीतीश कुमार यहाँ आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे, तो हम लोग इसके बाद देखते हैं कुछ अच्छा सा व्यू। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे आई बटन में आप पहले वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारी खूबी से लैस ये नया बस स्टैंड बन रहा है। इसमें 4 ब्लॉक्स होंगे, ब्लॉक्स ABCD कैटेगरी में बांटा गया है, ABCD ब्लॉक में। और यहाँ पे मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल होंगे, हाई स्पीड इंटरनेट सेवा मिलेगी और बहुत सारी खूबी लॉस और मैक्सिमम पार्किंग मिलेगी। और आप लोगों को मिलने जा रहा है, जो लोग बस से काफ़ी सफ़र करते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा होगा। और दो उद्घाटन और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज के डेट में ही कर रहे हैं, जो एक कृषि भवन है और एक हमारा मेदांता जो हॉस्पिटल है, हार्ट हॉस्पिटल। मैंने सब ब्लॉग बनते टाइम बनाया है, तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आज सबका उद्घाटन होने जा रहा है, तो मैं फ़िलहाल पहुंचा हूं ISBT बस स्टैंड पे। और चलिए देखते हैं इस बस स्टैंड के बारे में, अगर अंदर जाने मिलता है तो आपको विशेष तौर पे पूरे ब्लॉक के बारे में बताऊंगा। मर इतनी पुलिस फोर्सेस हैं कि मुश्किल लगता है कि हम लोग अंदर पहुँच पाएंगे, फिर भी अपनी कोशिश रहेगी। चलिए मिलते हैं आगे।
ISBT बस स्टैंड के ब्लॉक के अंदर आए हैं, जहां कुछ देर पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया और काफ़ी खूबसूरत ब्लॉक है। ए ब्लॉक का काम, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये बस स्टैंड 4 ब्लॉक में बन रहा है, तो फिलहाल अभी हम लोग ए ब्लॉक के अंदर हैं और इसको लगभग बना के कंप्लीट कर दिया गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ब्लूप्रिंट है इस बस स्टैंड का, ब्लॉक ए का प्लान, ब्लॉक 3rd फ्लोर। और एक बात और बताओ कि ये हर ब्लॉक 7 फ्लोर का ब्लॉक होगा, ब्लॉक ए में भी 7 फ्लोर, बी में भी 7 फ्लोर, हर जगह आपको ब्लूप्रिंट और प्रिंटिंग दिखेंगे आपको बस स्टैंड के। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं ISBT के 1st फ्लोर पे और यहां से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। कुछ देर पहले यहीं से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन करके बिहार के लोगों के लिए खास सौगात दिया। काफ़ी खुश हैं हम लोग कि अगर यहाँ से ये बस स्टैंड, सॉरी मीठापुर से अगर ये बस स्टैंड ये बैरिया में शिफ्ट होता है तो हम लोगों को पटना शहर वाले लोग काफ़ी खुश होंगे और उनको काफ़ी खुशी मिलने वाली है, शहर के जाम से निजात। और चलिए और देखते हैं आगे। तो इस वक्त देख सकते हैं लोगों में काफ़ी खुशी है और लोग बस स्टैंड बनते टाइम, मैंने कुछ समय पहले इसका एक ब्लॉग किया है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि जब ये बन रहा था तो उस वक्त का, और उसमें काफ़ी सारे डिटेल्स भी हैं, तो आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। बस स्टैंड तो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है और अभी फ़िलहाल सिर्फ ब्लॉक ए कंप्लीट हुआ है। अभी इसमें 3 ब्लॉक और हैं जो कंप्लीट होना बाकी है। देखते हैं कब तक यहाँ पे बस परिचालन चालू हो जाता है। मुझे तो अगर मेरा बात कहा जाए तो मैंने जैसा देखा भी बहुत सारी काम यहाँ पे बाकी है होने को, क्योंकि फ्रंट साइड का ब्लॉक सिर्फ चालू हो गया है। आनंद फानंद में नीतीश कुमार उद्घाटन तो इसका कर दिए हैं, पर अब देखा जाए आम पब्लिक के लिए यहां से सेवा कब चालू होता है। चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक खास बात, एक पटना के एक बहुत ही खास यूट्यूबर इंद्रसेन कुमार जायसवाल से मेरी मुलाकात हुई है, तो थोड़ा वीडियो लंबा है इसीलिए मैं इस वीडियो में अटैच नहीं कर रहा हूँ। स्पेशल एक ब्लॉग मैं कल अपलोड करूँगा तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिएगा। और बहुत ही चर्चित और बहुत खास यूट्यूबर हैं पटना के बारे में बहुत सारा वीडियो बनाते हैं और लगभग 5 से 10 साल का उनका ये ब्लॉग का एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार आप लोगों को।